ग्राम इलायची ले लिया है और ये एक जायफल लिया है, इसको भी मैं भून लूंगी और पीसूंगी। ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से भूनना है उसको। जो मैंने ये ली थी इलायची पाउडर बनाने के लिए, इलायची और उसको मैंने, ये देखिए जायफल को मैंने कूट लिया है। अभी मैं मिक्सी में डाल के इसको पीस लूंगी। तो ये पाउडर इलायची का रेडी, मिक्सी में इसको पीस लिया है मैंने, छिलकों के साथ इसको पीसा है। आप देख सकते हैं कितना इसका फाइन पेस्ट, फाइन पाउडर बन चुका है इसको। इलायची को मैंने, आपने देखा, मैंने इसको छिलके के साथ ही लिया है क्योंकि इसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप इसको छिलके के साथ ही पीसना। ये देखिए मेरा पाउडर कितने अच्छे से बन के रेडी हो गया है। और आप लोग इसको घर में बना के रख सकते हैं। इमरजेंसी में हमको कभी कुछ खीर बनाना है, मसाला दूध है, रस मलाई है, उसके लिए बहुत यूज़फुल है। आपके पास रेडी बना हुआ है, आप डायरेक्टली लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं। आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। रशीद रूही किचन ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।